जो कोविड में इन्होंने पीछे जो सहायता की थी वो किसी भगवान से कम नहीं मान सकते हम, जो क्यों वो किसी कृष्ण भगवान से कम नहीं। या तो आपने देखा होगा नरसी का भात बहराया था कृष्ण भगवान ने, आज इस सोपटा क्षेत्र के लिए वो एक कृष्ण भगवान का रूप लेकर के इस क्षेत्र में आए हैं और पूरे इस क्षेत्र को अपने गोद में ले लिया है। यहाँ हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार की कोई कमी आएगी तो मीनू बेणीवाल ना बिना कुछ सोचे समझे यहाँ अपना जो यहाँ कमी होगी वो पूरा करने का काम करेंगे। देखिए मीनू बेणीवाल ने हमारे गांव का नाम बहुत ही ऊंचा किया है। कमरा जो है वो तरकावली गांव ने बनाया था और आज इस परंपरा को मीनू बेणीवाल ने और बहुत ऊंचा चढ़ा दिया है, गांव का नाम रोशन किया है। मैं इसका धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्राउंड नेटवर्क, मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। इस वक्त मैं नाथूश्री चोपटा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद हूं और आपको बता दें कि लगातार इस हॉस्पिटल में जो सामाजिक व्यक्ति हैं वो लगातार डोनेशन कर रहे हैं। इसी कड़ी में सिरसा जिले के गांव तरकावली निवासी सामाजिक कार्यकर्ता मीनू बेणीवाल ने लाखों रुपए का सामान एक सप्ताह पहले दिया था। उसके बाद रिक्वायरमेंट की गई कि इस हॉस्पिटल को और भी तमाम जो सामान है मेडिसिन है उनकी ज़रूरत थी और आज एक और ट्रक भरकर मीनू बेणीवाल ने स्पेशल इस हॉस्पिटल के लिए भेजा है। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हो, मैं मेरे कैमरामैन को कहूँगा कि ट्रक का दृश्य दिखाई। ये ट्रक है, ये देख सकते हो, ये पूरा ट्रक भरकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है नासरी चोपटा में, पूरा ट्रक भरकर के मीनू बेणीवाल की तरफ से आया है। और इस ट्रक में क्या क्या मेडिसिन आया है, क्या क्या रिक्वायरमेंट की गई थी डॉक्टरों के द्वारा, वो भी हम बात करेंगे। पिछले एक सप्ताह पहले भी लाखों रुपए का जो सामान है वो इस हॉस्पिटल में मीनू बेणीवाल के द्वारा दिया गया था, उसके बाद एक ट्रक भरकर के और आया है। सिरसा जिले के गांव तरकावली के सामाजिक कार्यकर्ता मीनू बेणीवाल ने ठीक एक सप्ताह पहले लाखों रुपए का डोनेशन इस चोपटा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दिया था और आज एक बार फिर से उन्होंने जो रिक्वायरमेंट थी हॉस्पिटल के लिए लाखों रुपए का सामान और भेजा है। और हमारे बीच में ये गांव तरकावली के सरपंच प्रतिनिधि है, प्रदीप बेणीवाल है, रणबीर बेणीवाल है, नरेश सऊ है, मान सिंह बेणीवाल भी है सामाजिक कार्यकर्ता, इनसे जानते हैं कि किस तरीके का सहयोग दिया गया है। पहले डॉक्टर साहब हैं, इनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, आज एक बार फिर से मीनू बेणीवाल ने इस चोपटा के लिए जो रिक्वायरमेंट थी सामान भेजा है, क्या क्या सामान भेजा है? सर इसमें 6 तो ओटी लाइट हैं जी, और 2 जो स्क्रीन है जी, और साथ में डिलीवरी एक टेबल है, एक एग्जामिनेशन टेबल भी है, और भी इससे एडिशनल जो सामान है वो भेजा है इन्होंने। पहले भी इनकी तरफ से काफ़ी सामान आया था हमारे पास, जिसमें बेड थे, ऑक्सीजन सिलेंडर थे, कंसंट्रेटर थे, तो काफ़ी इन्होंने यहाँ पे जो मरीजों की सुविधा के लिए काफ़ी दान इस हॉस्पिटल को किए। डॉक्टर साहब, ये जो सामान मीनू बेणीवाल ने भेजा है, क्या इस हॉस्पिटल को ये इन सामानों की रिक्वायरमेंट थी पहले? हाँ जी थी, जिसमें से कई चलो काम चल रहा था, कुछ पुराना सामान था जो कि कंडम तरह से था, उसकी रिप्लेसमेंट में ये सामान आ जाएगा। और जो कोविड के रिलेटेड हमें सामान चाहिए था, ऑक्सीजन सिलेंडर थे, बेडों की थोड़ी कमी थी, पुराने बेड थे, तो उसमें काफ़ी सहायता मिलेगी। डॉक्टर साहब, इस तरीके के जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो डोनेशन करते हैं, ऐसे अगर और भी लोग करें तो हॉस्पिटलों में कितना सुधार आप मानते हो? हॉस्पिटलों में पूरा अच्छी तरीके से मैनेजमेंट हो जाएगा यदि सामाजिक संस्थाएँ, जैसे दानवीर बहुत हैं पर वो या तो वो जागरूक नहीं हुए इन चीज़ों के बारे में, और जगह पे दान करते हैं। सबसे मेन तो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य की तरफ से सारा समाज जो इकट्ठा होके, जो दानवीर हैं वो इकट्ठे होके यदि दान करेंगे तो सारी सुविधाएं जो मिलनी शुरू हो जाएंगी। मीनू बेणीवाल ने ये जो कदम उठाया है, एक सप्ताह पहले भी उन्होंने लाखों रुपये का डोनेशन दिया था, आज एक बार फिर से उनका ट्रक भर गया है, तो आपको क्या लगता है ऐसी सामाजिक सोच रखने वाले व्यक्ति हैं उनके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं उनका धन्यवाद कहूँगा जो इस तरह से मरीजों की, जो आम गरीब दुखियारे हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, बाकी तो सब प्राइवेट में चले जाते हैं, तो जो गरीब दुखियारे की हेल्प करने के लिए ये सब दान किया हुआ है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। अच्छा, तो ये थे
यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति अगर और भी जागरूक होंगे तो निश्चित रूप से हॉस्पिटल के अंदर आम जनमानस को बहुत बेहतरीन सुविधाएं मिलेगी। हमारे बीच में मानसिंह बेनीवाल है, सामाजिक कार्यकर्ता है और किसान नेता भी है। हाँ जी मानसिंह जी, आज एक बार फिर से मीनू बेनीवाल ने दिल खोल के हम कहेंगे कि ये हॉस्पिटल के लिए बेहतरीन सुविधा दी है, क्या कहेंगे? भाई साहब, हमारे गाँव के एक बहुत ही बड़े समाज सेवी कार्यकर्ता और हमारे गांव के गौरव हमारे मुकुट भाई मीनू बेनीवाल ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। दूसरी बार ये जो किट भेजी है स्वास्थ्य के हिसाब से, तो जिस तरह से आम जनता को बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा इससे, और कोरोना काल में जो साधनों के टोटे में मारामारी चल रही है उससे हमें राहत मिलेगी, और ये बहुत ही एक उदाहरण के तौर पर आदरणीय है, बहुत ही बढ़िया काम किया है जी। और हम भाई साहब का बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं जी। बहुत ही बढ़िया काम किया है इन दो सालों में, बहुत से ज़्यादा विकास करिए हुए हैं और ख़ास करके हमारे गांव में तो उनका पूरा एक किस्म से गोद ले लिए गांव को। बहुत बढ़िया काम चल रहा है, क्यों कोई गलियों की या किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है जी। और भी आज भी एक फ़ोन के साथ ही सारा काम हो जाता है जी। और अभी 10 दिन पहले ही वाटर वर्क्स की जो शिलान्यास किया है, और तो नया वाटर वो काम शुरू हो जाएगा। हाँ, वो काम शुरू हो जाएगा जी। हमें सेम के पानी से निजात मिल जाएगी, बढ़िया पीने का पानी मिलेगा जिससे हैजा डायरिया वगैरह नहीं होगा, और आमजन को बहुत ही। हाँ जी, और सड़कों के भी टेंडर है अभी गिरवाणी और मखरानी वाले में। आप भी दो शब्द कहें, ये जो मीनू बेनीवाल ने कार्य किया है इसको लेकर आपका क्या कहना है? ये उनकी बहुत एक हाई लेवल की सोच का सामान है जो ओटी वगैरह की है, शायद ही मुझे लगता है कि यहाँ कोई आसपास में इतना हाई लेवल का सामान आया होगा, और जल्दी अच्छे डॉक्टर भी यहाँ आने वाले हैं। और जिस हिसाब से इन्होंने स्टाफ ने जो सामान मंगवाया था पिछले मंथ में हमने सामान दिया था, और इस बार भी जो सामान पेंडिंग रह गया था उन्होंने कहा था ये चीज़ें हमें चाहिए तो वो ला दी है। कुछ और भी काम बता रहे थे डॉक्टर साहब अभी, तो उनसे बात करके वो बता रहे थे भी हम पूरा करवाएंगे। इस तरीके की जो सामाजिक सोच रखने वाले व्यक्ति हैं अगर और भी आएंगे तो क्या हॉस्पिटल की जो सुविधा है क्या बेहतरीन सुविधा लोगों को मिल सकेगी? नहीं, सोच तो हो सकता है किसी की और हो, लेकिन वो उसके बदले में कुछ ना कुछ मांगते हैं, लेकिन इनकी जो सोच है वो निजी स्वार्थ होता है उनका, लेकिन इनका निस्वार्थ बोल सकते हैं हम इनको, क्योंकि ना इनका कोई मतलब अलग सिस्टम है, खुद मतलब अलग ही सोच है इनकी, हर आदमी का भला हो, किसी को हरी भी मतलब पैसे की कमी से किसी स्वास्थ्य में कमी ना आए, तो इस तरह की सोच इनकी। हाँ जी नरेश साहू जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मीनू बेनीवाल ने दिल खोल करके एक बार फिर से, एक हफ्ता पहले भी इनका लाखों का सामान आया था, एक बार फिर से आज एक ट्रक भर करके जो मेडिसिन है जो रिक्वायरमेंट है इस हॉस्पिटल की वो सामान आया, क्या कुछ कहेंगे? जो कोविड में इन्होंने पीछे जो सहायता की थी जी, वो किसी भगवान से कम नहीं मान सकते हम जो, क्यों यहाँ पूरी तरह से सामान की जो कमी थी, जब रणवीर बेनीवाल ने इसकी विजिट की हॉस्पिटल के, डॉक्टर साहब ने बताया कि इसमें ये दिक्कत है, तो इन्होंने आकर के उनको मैसेज किया, उनको बिना किसी अपने स्वार्थ के बगैर निजी अपने वो कहते हैं ना अपने निजी कोष से जो इस हॉस्पिटल की जो सहायता की वो वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि ये जो चोपटा ब्लॉक का क्षेत्र है, ये 52 गाँव का क्षेत्र है चोपटा जो हॉस्पिटल, इसके नीचे 52 गाँव आते हैं, ये एक यहाँ इतनी बढ़िया सुविधा बहुत ही निस्वार्थ भावना से जो सेवा की है उसके लिए हम मीनू बेनीवाल का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, उनका तय दिल से धन्यवाद करते हैं। जो आज इस तरह का जो सामान आया, जो डिलीवरी के लिए डॉक्टर साहब ने कहा था कि यहाँ डिलीवरी के लिए कोई सामान की थोड़ी कमी है, उसके लिए जो आज सामान आया उनके लिए भी हम उनका धन्यवाद करते हैं। वो किसी कृष्ण भगवान से कम नहीं, या तो आपने देखा होगा नरसी का भात बहराया था कृष्ण भगवान ने, आज इस चोपटा क्षेत्र के लिए वो एक कृष्ण भगवान का रूप लेकर के इस क्षेत्र में आए हैं और पूरे इस क्षेत्र को अपने गोद में ले लिया है। यहाँ हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार की कोई कमी आएगी तो मीनू बेनीवाल ना बिना कुछ सोचे समझे यहाँ अपना जो यहाँ कमी होगी वो पूरा करने का काम करेंगे, वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आपके कहने का मुताबिक इस क्षेत्र को गोद ले लिया? बिल्कुल जी। अच्छा, इस हॉस्पिटल में कोई कमी नहीं आने देंगे। इस क्षेत्र को जब भी किसी भी चीज़ की कमी महसूस होगी वहाँ पर मीनू बेनीवाल खड़ा नजर बिल्कुल आएगा जी। ना कोई वो राजनीतिक में है, ना उनको बदले में कोई राजनीति करनी है, ना उनका कोई वोट से मतलब है, ना कोई वो राजनीति करना चाहते, वो सिर्फ समाज सेवा में आए हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, वो एक बहुत ही धार्मिक वो संस्था से जुड़ करके और इसमें अपना बहुत ही बढ़िया सेवा करने जा रहे हैं इस क्षेत्र के लिए, वो एक कृष्ण भगवान के रूप में एक अवतार बनकर इस क्षेत्र के लिए हमारे बीच में आए हैं। चलो धन्यवाद। धन्यवाद। तो इन्होंने सबसे बड़ी बात बताई है कि क्षेत्र को मीनू बेनीवाल ने गोद ले लिया है, नाथूसरी चोपटा क्षेत्र में जब भी किसी भी चीज़ की कमी महसूस होगी वहाँ पर मीनू बेनीवाल खड़े नजर आएंगे। आप ये देख सकते हो हाई लेवल का जो
मेडिसिन है, तमाम प्रकार के यहाँ पर बेड है, हम कह सकते हैं एक प्रकार से किट है वो यहाँ पर आई है। तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही सराहनीय कार्य मीनू बेनीवाल, पिछले एक महीने में दो बार उनके कई बार ट्रक भर करके इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए आए हैं। हमारे बीच में गांव तरकावाड़ी के पूर्व सरपंच है विजेंद्र बेनीवाल है जी, क्या कुछ कहेंगे मीनू बेनीवाल के लिए दो शब्द? देखिए, मीनू बेनीवाल ने हमारे गाँव का नाम बहुत ही ऊँचा किया है जी। वैसे तो हमारे गाँव की पहचान हमेशा से ही अलग रही है जी, चाहे वो कंपलसरी एजुकेशन के मामले में हो, चाहे आर्य समाज के मामले में हो, चाहे भाषा के मामले में हो। जब स्वामी हरिश्चंद्र के नेतृत्व में जब यहाँ पर शिक्षा में पिछड़िया हुआ था, उस टाइम भी सबसे पहले अपने तरकावाली गांव ने नींव रखी थी स्कूल की। पहला कमरा जो है वो तरकावाली गांव ने बनाया था और आज इस परंपरा को मीनू बेनीवाल ने और बहुत ऊंचा चढ़ा दिया है, गाँव का नाम रोशन किया है, मैं इसका धन्यवाद करूँगा जी। ठीक, तो ये थे विजेंद्र बेनीवाल जिन्होंने कहा कि गांव तरकावाली जो कि सिरसा ज़िले में है, उनकी पहचान पहले भी अलग थी, चाहे वो भाषा की बात करें, चाहे वो गांव है वो आर्य समाजी है, तो इन्होंने कहा कि वो पहचान पहले भी कायम रही है। और मीनू बेनीवाल ने जो परंपरा पहले से जो चली आ रही थी गांव तरकावाली की, उस तरकावाली का मान सम्मान है वो और ऊँचा किया है। तो गाँव तरकावाली के लिए हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही गौरव की बात है, जिस तरीके से विकास पिछले वर्षों में गांव तरकावाड़ी में हुआ है वो भी काबिले तारीफ है मीनू बेनीवाल के नेतृत्व में। और अब चोपटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसके हम कह सकते हैं कि अधीन 52 गांव आते हैं, और उन 52 गांवों में आप देख सकते हो कि किस प्रकार सुविधा है, उसको बेहतरीन बनाया जा रहा है। कोई भी पेशेंट आता है तो यहाँ पर उनको हर प्रकार की सुविधा मिलती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि स्वर्णिम हॉस्पिटल की जो सुविधाएं हैं उनको बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार की सामाजिक सोच रखने वाले मीनू बेनीवाल गांव तरकावाड़ी जिला सिरसा हरियाणा के रहने वाले हैं। तो इस खबर से आप क्या सीखे, आपने क्या पाया, क्या वाक्य में इस तरीके की सोच अगर और व्यक्ति बनाए तो क्या हम हॉस्पिटलों में कुछ अलग लोगों को सुविधाएं हैं वो दे सकते हैं? ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क, मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा।